हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और हम लोगों का अभी अभी चैप्टर एंड हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी कंपनी, सेक्शन बी का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो क्या क्या एलिजिबल कंडीशन होती है, वो सब हमने पढ़ ली। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली। अब बच्चों, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा आपको पता है, सीएमए के क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करते ही हैं। CMA के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब तो हम सॉल्व करते हैं। MCQ की क्लास आप लोगों के पास में अलग से प्रोवाइडेड है ही, MCQ की क्लास और नोट्स वो मैंने आपको दी हुई है। बच्चों, CMA के अलावा हम CA के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। CMA का स्टडी मटेरियल पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, CMA के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक जितने चैप्टर पढ़े उनके हमने कंप्लीट कर लिए, इस चैप्टर के भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं, नोट्स दिए हुए, बुक्स आपके पास में है। बच्चों, CMA के अलावा हम CA के अंदर सेम चैप्टर्स के CA के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व करते हैं, ताकि अगर बाई चांस एग्जाम के अंदर CA से भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने CA के क्वेश्चंस भी किए हुए, हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट लिखने को आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स। बच्चों, शॉर्ट नोट लिखना है आपको कि प्रमोटर जो सिक्योरिटीज को, जिसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जब सिक्योरिटीज को वो होल्ड करता है तो उनको लॉक इन के अंदर रखना पड़ता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, एग्जांपल्स के साथ में पढ़ाया था। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, दोबारा से बता देता हूं बच्चों, कहानी सुनिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारे नट्टू काका और बच्चों ये है हमारा बाघा। एक बार की बात है, नट्टू काका ने बाघा से पूछा कि बाघा यार, एक बात बताओ, आज अगर कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में शेयर्स का इशू लेकर आ रही है, आईपीओ ला रही है, अगर आज कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में आईपीओ लेकर आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो कंपनी पब्लिक से बोलती है कि भैया हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप हमारे शेयर्स को परचेज कर लो, हमें पैसे दे दो, हम आपको शेयर बेच दें, और कंपनी साथ में ये अपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी देती है पब्लिक को कि हम इतने सालों से चलती हुई कंपनी है, हमने पिछले साल इतना प्रॉफिट किया था, हमने अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड दिया था, मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस ये है। तो जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में इशू लेकर आती है तो पब्लिक को लुभाने के लिए, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंपनी पब्लिक को बहुत सारे ऑफर्स भी दे और अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी बता। यार, पब्लिक सच मान लेगी क्या? पब्लिक जरूरी थोड़ी है कंपनी की बात पे भरोसा कर ले। पब्लिक तो कंपनी से बोलेगी कि यार तुम तो अपनी बढ़ाई करोगे ही, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है तुम्हारे शेयर्स को खरीद लिया जाए, इसलिए तुम अपनी बढ़ाई करोगे, इसमें क्या डाउट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पब्लिक को भरोसा, ट्रस्ट कैसे बनेगा, भरोसा कैसे बनेगा कंपनी के ऊपर। तो बागा बोलता है, नट्टू काका, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो जरूरी होता है कि उस इनिशियल पब्लिक ऑफर का कुछ हिस्सा, उस इनिशियल पब्लिक ऑफर का कुछ हिस्सा
उस कंपनी के प्रमोटर को खरीदना पड़ता है। जब कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो सेम पब्लिक इशू के अंदर सेम शेयर्स को उस कंपनी का प्रमोटर जरूर से खरीदता है। तब जाकर कंपनी के जब जाकर पब्लिक ये सोचती है कि यार ये जो प्रमोटर है ये तो कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट पे बैठता है, इसको तो कंपनी की सभी चीजों के बारे में पहले से सब कुछ पता होता है। अगर ये कंपनी के इस इशू के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर ये कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा है, मतलब कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, वरना प्रमोटर अपना पर्सनल पैसा क्यों फंसाता। इसीलिए जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आती है, आईपीओ लेकर आती है, तो जरूरी होता है वो कंपनी का प्रमोटर कुछ शेयर्स परचेज करेगा ही करेगा, ताकि पब्लिक को भरोसा हो जाए कि यार अगर कंपनी का प्रमोटर कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, उनमें फ्रॉड नहीं है, मुझे परचेज कर लेना चाहिए, पब्लिक को भरोसा हो जाता है। और प्रमोटर ये जो शेयर्स परचेज करता है कंपनी के, जो उसे परचेज करना कंपलसरी है, इसको बोला जाता है प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन, कि प्रमोटर को इतना तो परचेज करना ही पड़ेगा। नट्टू काका बोले ठीक है मैं तेरी बात समझ गया, ठीक है मैं तेरी बात समझ गया कि प्रमोटर को परचेज करना कंपलसरी होता है हर इनिशियल पब्लिक के ऑफर, जब कंपनी लेकर आती है हर इनिशियल पब्लिक ऑफर में प्रमोटर को कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज करना होता है। वो कुछ परसेंटेज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, हालांकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन नट्टू काका ने एक दूसरा सवाल पूछा, बोला यार सपोज कर कि टाटा कंपनी आईपीओ का ऑफर लेकर आई और आईपीओ का ऑफर मार्केट में अनाउंस कर दिया, प्रमोटर ने शेयर्स परचेज कर लिए, पब्लिक को भरोसा हो गया, तो पब्लिक ने भी शेयर्स परचेज कर लिए, प्रमोटर और कंपनी ने देखा कि यार पब्लिक फंस गई, पब्लिक ने हमारे ऊपर भरोसा करके कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो हाथ की हाथ प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेच दिया। तब तो कंपनी पब्लिक के साथ में धोखा हो जाएगा। भाई प्रमोटर ने कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे? इसलिए खरीदे जिससे पब्लिक को भरोसा हो जाए कि प्रमोटर खरीद रहा है तो हम भी खरीद लेते हैं, शेयर्स अच्छे हैं, फ्रॉड नहीं हो रहा है। सपोज करो पब्लिक ने शेयर्स परचेज कर लिए और प्रमोटर ने हाथ की हाथ अपने शेयर्स को अगर बेच दिया, हाथ की हाथ अगर प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेच दिया तो पब्लिक के साथ में तो फ्रॉड हो गया ना, पब्लिक तो वहां पर फंस गई, पब्लिक के साथ में तो गलत हो गया, अब पब्लिक क्या करेगी? बागा बोला ऐसा नहीं होता नट्टू, ऐसा नहीं होता। देखिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, प्रमोटर को कुछ शेयर्स परचेज करना कंपलसरी होता है, उसे प्रमोटर्स मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यहां तक की बात ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रमोटर जो शेयर्स परचेज करता है, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, जिसे उस जो उसे शेयर्स खरीदना कंपलसरी होता है, वो उसे अगले 1.5 साल तक बेच नहीं सकता। बच्चों बता दूं ये 1.5 साल अमेंडेड है, पहले 3 साल हुआ करता था किसी टाइम पे, अपन जो पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट अमेंडेड पढ़ रहे हैं, कि प्रमोटर अगले 1.5 साल तक अपने शेयर्स को बेच नहीं सकता। उसके जो शेयर्स उसने परचेज किए हैं वो लॉक्ड इन में हो जाते हैं। लॉक्ड इन का मतलब होता है लॉक हो गए, 1.5 साल तक उसको नहीं बेच सकता। नट्टू काका बोले ठीक है बागा मैं समझ गया, जब भी कोई कंपनी आईपीओ का ऑफर लेकर आती है, प्रमोटर को कुछ शेयर्स परचेज करना कंपलसरी होता है और उसे मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और एक बार उसने अपना मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन परचेज कर लिया वो 1.5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, वो अगले 1.5 साल तक कुछ शेयर्स को नहीं बेच सकता। समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, उसने जो 1.5 साल तक शेयर्स परचेज, जो उसने जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, सपोज करो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20% है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, अभी आगे सॉल्व करें, पर अभी हमें लॉक इन वाला क्वेश्चन देखना है, शॉर्ट नोट लिखना है लॉक इन पे, उसको समझो। बोला सपोज करो यार प्रमोटर को टोटल इशू आ रहा है 100 करोड़ का,
उसका 20% खरीदना कंपलसरी है, मतलब 20 करोड़ के शेयर्स खरीदना कंपलसरी है, वो उसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। तुमने बोला मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 साल के लिए लॉक इन जाता है, समझ में आता है। सपोज करो यार, सपोज करो प्रमोटर बोला भैया मैं तो 25% खरीदूंगा, मुझे तो कंपनी के शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसमें से 20% तो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया जो 1.5 साल के लिए लॉक इन हो गया, 5% उसने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा खरीद लिया, उसे कंपनी के शेयर बहुत अच्छे लगे, 5 मतलब मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन से ऊपर एक्सेस में उसने परचेज कर लिया, सपोज करो 5% कर लिया, सपोज करो, तो वो वाला 5% भी लॉक इन में रहता है या वो प्रमोटर जब चाहे तब बेच सकता है? बोला नहीं नहीं वो भी लॉक इन में रहता है, वो 6 महीने के लिए लॉक इन में रहता है, ये पहले 1 साल हुआ करता था। देखो पहले जो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन लॉक इन में 3 साल हुआ करता था, अब कितना हो गया 1.5 years, मतलब 18 महीने, और पहले एक्सेस वाला 1 साल के लिए लॉक इन में रहता था, अब कितना हो गया 6 महीने। तो स्टूडेंट्स ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा, जब भी कोई पब्लिक इशू आता है प्रमोटर को खरीदना जरूरी है, उसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसके मिनिमम कंट्रीब्यूशन वाले शेयर 1.5 साल के लिए लॉक इन में रहते हैं, लेकिन जो एक्सेस में उसने परचेज किया मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन से ऊपर, वो 6 महीने के लिए लॉक इन में रहते हैं। ये बच्चों हमने इस चैप्टर का एक क्वेश्चन सोल्व करा जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, CMA का क्वेश्चन है। मैंने बोला है CA के क्वेश्चन भी हम लोग साथ में सोल्व करते हैं, अभी हम CMA वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। MCQ मैंने आपको इस चैप्टर का दिया हुआ है, चैप्टर पूरा हमने पढ़ा हुआ है एग्जांपल्स के साथ में, MCQ हमारे पास में अवेलेबल है। CMA वाले क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, CA वाले भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल के साथ में हमने समझा। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब